हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएम्स बायोलॉजी अगेन फॉर ए न्यू वीडियो। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे इन्वर्टिब्रेट का एक्सक्रेटोरी ऑर्गन्स और एक्सक्रेटोरी सिस्टम के बारे में, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटोरी सिस्टम को। तो ह्यूमन एक्सक्रेटोरी सिस्टम का डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और इसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, जो है यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर दो किडनी आते हैं, दो यूरेटर्स आते हैं, एक आता है यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। सो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रेटोरी सिस्टम। दो किडनी, दो यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। सो डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर स्टडी करने से पहले हम यूरिनरी सिस्टम का फंक्शंस देखते हैं, क्या क्या फंक्शंस है यूरिनरी सिस्टम का। तो फंक्शन में हम पहले किडनी का फंक्शन देखेंगे। इसका फंक्शन है, ये रेगुलेट करता है, किडनी रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन करता है, और इसका वॉल्यूम के साथ साथ इसका कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, और ये ब्लड का प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ये ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है, इसके साथ विटामिन डी भी प्रोड्यूस करता है, और इसका जो मेन फंक्शन है ये एक्सक्रेट करता है वेस्ट्स इन यूरिन। सो ये सारे हैं किडनी का फंक्शन, जो किडनी करता है। सेकंड में यूरेटर क्या करता है, यूरेटर जो दो यूरेटर्स हैं, वो यूरेटर का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट्स यूरिन। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे, किडनी से, कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। तो यूरेटर का काम है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को लेना, किसको, यूरिन को, यूरिन का फॉर्मेशन के बाद। थर्ड जो फंक्शन है वो है यूरिनरी ब्लैडर का, और इसका काम है ये स्टोर करेगा यूरिन को। एंड द लास्ट वन यूरेथ्रा, ये डिस्चार्ज करेगा यूरिन, डिस्चार्जेस यूरिन फ्रॉम बॉडी। सो ये सारे हैं फंक्शन यूरिनरी सिस्टम का, जो कि दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा को लेके बना है। तो अभी हम किडनी का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर में जाने से पहले इसको, इसका शेप जानेंगे, जो कि बीन शेप्ड है, बीन शेप्ड है किडनी, और ये इसका कलर है रेडिश, रेडिश है, और ये पेयर्स में है, पेयर्स मतलब दो किडनी है हमारे बॉडी में, और ये इसका पोजीशन या लोकेशन अगर हम देखेंगे, ये आइदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कलम रहता है, वर्टेब्रल कलम के दोनों साइड में रहता है दो किडनी, और इसका पोजीशन एग्जैक्टली हम देखें तो ये बिटवीन लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लुम्बर के बीच में रहता है, लास्ट थोरासिक और थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे के बीच में किडनी रहता है, जो कि वर्टिब्रल कलम की दोनों साइड में रहता है, और ये बीन शेप्ड का है, रेडिश कलर का है, और पेयर्स में है, मतलब दो किडनी है ह्यूमन बॉडी में। राइट साइड का जो किडनी है,
राइट किडनी जो है, राइट साइड का राइट किडनी, वो थोड़ा सा नीचे है, नीचे की तरफ है। राइट किडनी इज लोअर देन लेफ्ट। क्यों? राइट में हम जानते हैं कि लीवर है जो कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर ऑन द राइट साइड। और किडनी का जो स्ट्रक्चर है रफली अगर हम देखेंगे तो इस टाइप का है। तो इसका आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस वो है कन्वेक्स और इनर सरफेस जो है वो है कनकेव। और ये जो कनकेव सरफेस है इसका जो ये डिप्रेशन किया हुआ है, ये डिप्रेशन को बोलते हैं हाइलम, इसका नाम हाइलम है। और ये किडनी का आउटर साइड कन्वेक्स, इनर साइड कनकेव, डिप्रेशन हाइलम। फिर ये किडनी के अंदर हाइलम होके अंदर की तरफ एक चीज गया है, और जो अंदर की तरफ गया है वो है रेनल आर्टेरी जो कि ब्लड को लेके आता है, और रेनल वेन के साथ यूरेटर किडनी से बाहर की तरफ आया है हाइलम होके। दोनों हाइलम होके एक अंदर की तरफ गया है रेनल आर्टरी, और रेनल वेन और यूरेटर बाहर की तरफ आए हैं। तो किडनी का एग्जैक्टली अगर हम साइज देखें तो इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, जो इसका वाइड्थ है वो है 5 से 7 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर थिक है। ये एक एडल्ट किडनी का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 से 3 सेंटीमीटर थिक। इसके बाद अगर हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर में आए तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका दो पार्ट होता है, एक है रेनल कोर्टेक्स और एक है और रेनल मेड्यूला। तो रेनल कोर्टेक्स का सरफेस स्मूथ होता है, स्मूथ, और मेड्यूला डीप रेडिश ब्राउन कलर का होता है, डीप रेडिश ब्राउन। तो ये कोर्टेक्स जो है रेनल कोर्टेक्स एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स बिटवीन रेनल पिरामिड्स, और उसको बोलते हैं रेनल कलम। रेनल कलम का और एक नाम है वो है कलम्स ऑफ बर्टिनी। रेनल मेड्यूला जो रीजन है ये, इसमें कौन सेप्ट रेनल पिरामिड्स होता है, ये जो रेनल पिरामिड यहाँ पे मैं लिखा हूँ जिसके अंदर कोर्टेक्स एक्सटेंड करके जो स्ट्रक्चर बनाता है रेनल कॉलम और कलम सब बटिनी, और वो रेनल मेड्यूला में कौन सेप का रेनल पिरामिड होता है, रेनल पिरामिड, जिसका बेस रीजन, रेनल पिरामिड का बेस रीजन कोर्टेक्स की तरफ होता है और अपेक्स रेनल पापिली की तरफ होता है, पापिला, रेनल पापिला की तरफ होता है अपेक्स, और बेस कोर्टेक्स के रीजन की तरफ होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको समझने के लिए मेरे पास एक डिटेल डायग्राम है किडनी का, जिसे देख के हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये है वो डायग्राम, यहाँ पर फोकस कीजिए, ये है किडनी, ये जो डायग्राम है ये राइट किडनी का है, और इसका जो आउटर साइड में बोला कि आउटर साइड को रेनल कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर की तरफ रेनल मेडुला होता है, और कोर्टेक्स का जिस रीजन मेडुला के अंदर घुसा हुआ है उस रीजन को बोलते हैं पिरामिड के अंदर, ये है रेनल पिरामिड। यहाँ पे 7 रेनल पिरामिड हम देख सकते हैं, और रेनल पिरामिड के बीच में जो रेनल कोर्टेक्स का जो रीजन अंदर घुसा हुआ है मेडुला की तरफ उसे बोलते हैं रेनल कलम, और इसका अदर नेम मैंने बोला कलम सब बटिनी।
फिर ये रेनल पिरामिड है जो कि रेनल मेड्यूला की रीजन में आता है और किडनी के पूरा बाहर तरफ रेनल कोर्टेक्स से भी बाहर की तरफ एक कैप्सूल होता है जो कि इसको सेफ्टी देता है, वो है रेनल कैप्सूल। और अगर डिटेल में यूरिन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है अगर इसका हम डायग्राम से देखें तो ये है नेफ्रॉन जो कि वेरी स्मॉल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है और नेफ्रॉन होके पापिलरी डक्ट रेनल पिरामिड का पापिलरी डक्ट होके यूरिन आता है आगे माइनर कैलिक्स में जो कि हर पिरामिड से कनेक्टेड है और ये माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाते हैं, यूरिन माइनर से मेजर कैलिक्स को जाता है, फिर स्टोर होके रहता है रेनल पेल्विस रीजन में जो कि फनल शेप का होता है और ये कलेक्ट करता है यूरिन, रेनल पेल्विस से यूरिन पास होके यूरेटर का होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। तो ये है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जहाँ हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ किडनी देख सकते हैं और यूरिन कहाँ से नेफ्रॉन से होके कैसे यूरिनरी ब्लैडर तक आता है इसका डिटेल हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। सो ये है डायग्राम जो जहाँ पे भी फ्रंटल सेक्शन ऑफ राइट किडनी दिखाया हुआ है। तो हम ये क्लियर हो गए कि इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का कैसा है, ये दो पार्ट में है रेनल कोर्टेक्स और रेनल मेडुला। रेनल कोर्टेक्स में जो पर्सन कोर्टेक्स का रेनल पिरामिड के बीच में से होके रेनल मेडुला के अंदर घुसा हुआ है उसको बोलते हैं रेनल कलम्स और कलम्स ऑफ बटिनी। रेनल मेडुला डीप रेडिश ब्राउन कलर का है, यहाँ पे बहुत सारे कोन्स हैं जिसको बोलते हैं रेनल पिरामिड, इसका बेस कोर्टेक्स की तरफ है और अपेक्स रेनल पैपिला की तरफ है। क्लियर। सो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि रेनल मेड्यूला और रेनल कोर्टेक्स का किस रीजन में यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये है रेनल कोर्टेक्स और इसके साथ जब रेनल पिरामिड मिलते हैं ये दोनों मिल के बनाते हैं फंक्शनल पर्सन ऑफ किडनी जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। ये है फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी और ये फंक्शनल पार्ट ऑफ किडनी है कोर्टेक्स, रेनल कोर्टेक्स और रेनल पिरामिड को मिला के ये बना है। और ये पैरेन्काइमा में जो सबसे स्मॉल यूनिट फंक्शनल यूनिट है उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा में जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है उसे कहते हैं नेफ्रॉन और ये नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। क्लियर। सो नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन होता है और ये आगे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है और एक्सक्रेट आउट हो जाता है थ्रू यूरेथ्रा। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड सप्लाई किडनी को कैसा होता है, ब्लड सप्लाई हाउ ब्लड इज सप्लाइड टू द किडनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आ सकता है, 20-25% कार्डियक आउटपुट जो है वो राइट एंड लेफ्ट रेनल आर्टरी होके किडनी में आता है। सो रेनल आर्टरी ये डिवाइडेड है, बहुत डिवीजन के बाद ये क्या बनाता है ऑफरेंट आर्टरियोल, ये ऑफरेंट आर्टरियोल बनाता है रेनल आर्टरी आफ्टर डिवीजन। और एक ऑफरेंट आर्टरियोल एक नेफ्रॉन के अंदर जाता है, एक ऑफरेंट आर्टरियोल एक नेफ्रॉन के साथ जुड़ता है। ये जो नेफ्रॉन है इसका अगर स्ट्रक्चर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो ये पहले हमें पता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, इसका दो पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट है रेनल कर्पसल्स एंड रेनल ट्यूबल। तो ये जो रेनल कर्पसल है इसका दो पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस जो कि एक नेटवर्क कैपिलरी नेटवर्क है, ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरी का एक नेटवर्क है। और दूसरा पार्ट है ग्लोमेरुलर कैप्सूल जिसको हम
बोमेंस कैप्सूल के नाम में जानते हैं, बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस रेनल कैप्सूल का एक पार्ट है और एक पार्ट है ग्लोमेरुलर कैप्सूल और बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल का काम क्या है, ये जो फिल्ट्रेटेड फ्लूइड है उसको पास करता है रेनल ट्यूबुल में। तो ये पास करता है बोमेंस कैप्सूल, फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में और ये पास होकर जाता है बोमेंस कैप्सूल में और बोमेंस कैप्सूल उसको पास करते हैं रेनल ट्यूबुल में। क्या पास करते हैं? फिल्ट्रेटेड फ्लूइड। तो फिल्ट्रेटेड फ्लूइड पास होकर जाता है रेनल ट्यूबुल में। और ये जो रेनल ट्यूबुल हैं, रेनल ट्यूबुल, इसका डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम बोलेंगे प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड, प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर आया लूप ऑफ हेनले एंड द थर्ड वन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। सो द रेनल ट्यूबुल इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये जो प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या है? मतलब कॉइल्ड, कॉइल्ड है। और ये भी कॉइल्ड है क्योंकि ये भी कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है। ये डिस्टल पार्ट में है और ये प्रोक्सीमल में है। और लूप ऑफ हेनले एक लूप लाइक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बहुत सारे, मेनी इन नंबर, मिल के क्या बनाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। दे विल प्रोड्यूस, दे विल यूनाइट टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट। मेनी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यूनाइटेड टू फॉर्म कलेक्टिंग डक्ट, जहां से यूरिन पास होके जाता है माइनर कैलिसेस को। जो कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे मिलके हैं और माइनर कैलिसेस फाइनली ओपन्स इनटू रेनल पेल्विस। तो ये जो नेफ्रॉन है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर जानने के लिए भी मेरे पास एक डायग्राम है, जिसमें से हम देख सकते हैं कैसे रेनल ट्यूबल्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर हैं, प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और लूप ऑफ हेनले। तो ये है वो डायग्राम जहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक बहुत सारे रेनल आर्टरियोल जब ब्रांच्ड हुए तो बने आफरेंट आर्टरियोल और वो आके कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस बनाए, एक कैपिलरी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का कैपिलरी। फिर ये बोमेंस कैप्सूल है जहाँ पे ग्लोमेरुलस से ऑब्जर्व होके फिल्ट्रेट आता है, जो कि प्रोक्सीमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल PCT होके नीचे की तरफ आता है, जहाँ दो रीजन है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग लिम्ब। जो नीचे की तरफ आ रहा है वो है डिसेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो है असेंडिंग लिम्ब। दोनों को मिला के लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसकी बात मैं कर रहा था, ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और इसके बाद ये ऊपर जाके फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बनाता है और फाइनली ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट, व्हिच कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम ईच एंड एवरी नेफ्रॉन। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन का यूनिट लगा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स लगे हुए हैं और ये कलेक्ट करता है यूरिन को और सप्लाई देता है यूरेटर होके यूरिनरी ब्लैडर को। और ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इफरेंट आर्टरियोल, ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बना के, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के है और इसको बोलते हैं वासा रेक्टा, जो कि लूप ऑफ हेनले की तरफ आया है और इसको कॉइल्ड ट्यूबुल के ऊपर कैपिलरी ऑफ नेटवर्क बनाया है। और इसका फंक्शन क्या है, हम डिटेल में जब किडनी का फंक्शन या फिर यूरिन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑफरेंट एट्रियोल यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है, अराउंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ दैट ऑफ इफरेंट एट्रियोल। सो ये एक प्रेशर जनरेट करता है ग्लोमेरुलस में, जो कि हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। तो फिल्ट्रेशन होने में ये इसका डायमीटर कम होने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जहाँ पे हम ब्लड वेसल्स भी देख सकते हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो इसका डिटेल फंक्शन क्या ये करता है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन है, क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव ऑब्जर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो वेट फॉर दैट एंड फोकस ऑन दिस एंड मेक ए नोट फ्रॉम दिस एंड इट विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल CMS बायोलॉजी। थैंक यू।